मैं एक अपने इलाके का शाना हूँ। मेरे हाथ के नीचे 50,000 से लाख लोग हैं और किसी को कोई ज़रूरत पड़ती है, किसी को उड़ाना होता है या किसी को कोई वोट बैंक मेरे हाथ में है। मतलब मैं एरिया का दादा हूँ जिसके दिल में आता है कि जब मैं अगर वोट दिला सकता हूँ तो मैं खुद क्यों नहीं खड़ा हो जाऊँ। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर साहब है ना, उनका एक आइडियलाइज्ड वर्जन है। इस उम्मीद के साथ ये क्रिएट किया गया है कि वो अपने मिशन में कामयाब होंगे, जिस तरह से ये कैरेक्टर अपने मिशन में कामयाब होता है। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है और एक ऐसा इंसान है जो इस बात में विश्वास नहीं करता कि जो हो रहा है होने दो, वो हमेशा कुछ ना कुछ एक्शन लेने में विश्वास रखता है। तो जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं इस कहानी में, कहीं ना कहीं वो विटनेस रहता है इन सब चीज़ों से और आखिर में ही इज द वन हु डिसाइड्स टू टेक अ पॉजिटिव एक्शन। जो इन नसीर जी का किरदार है, इनके कैरेक्टर की वजह से ही ये केस फिल्म में खुलता है, क्योंकि ही वांट्स टू गेट टू द बॉटम ऑफ द ट्रूथ। कोई एक लेडी पॉलिटिशियन ने कई डिफरेंट तरह की लेडी पॉलिटिशियन से इंस्पायर्ड थी मैं, स्पेशली जो कॉस्ट्यूम्स थे वो वसुंधरा राजे सिंधिया, वो राजस्थान की CM हैं, अनोखी भी राजस्थान की रहने वाली है, चीफ मिनिस्टर बनने का सपना है उसका, बड़ी एम्बिशियस है, तो उनसे बहुत इंस्पायर रही मैं।